कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और अब प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंच गई है 56। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। भीलवाड़ा में और झुंझुनू में एक एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कुल संख्या पहुंच गई है 56। राजस्थान के अभी भी 528 सैंपल ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना भी शेष है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि आज दो और कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें जो एक कोरोना पॉजिटिव भीलवाड़ा में और दूसरा कोरोना का पॉजिटिव मरीज झुंझुनू में मिला है। झुंझुनू में जो कोरोना का पॉजिटिव मिला है वो फिलीपींस से यात्रा करके दिल्ली आया था, दिल्ली से झुंझुनू आया था। इस दौरान उसको होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जानकारी सामने आ रही कि जो युवक है 21 साल का युवक कोरोना का संक्रमित पाया गया है। इस दौरान जब 18 तारीख को जी दिल्ली से जयपुर आ गया था, जयपुर से झुंझुनू पहुंचा था, झुंझुनू के दौरान वहां पे उसको होम आइसोलेट किया गया था, लेकिन इसके बाद में उसको सिम्टम्स आए 25 मार्च को, 25 मार्च के सिम्टम्स के बाद में उसको 27 मार्च को रिपोर्ट सैंपल लिया गया और जिनमें आज जो रिपोर्ट आई उसमें वो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह जो भीलवाड़ा में भी एक 53 वर्षीय महिला है वो कोरोना की पॉजिटिव पाई गई। इस तरह से लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी कुल 56 आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर चिंता की बात ये भी है कि ये जो शख्स है जो कोरोना पॉजिटिव निकला है झुंझुनू वाला, वह व्यक्ति जयपुर पहुंचा है, जयपुर से झुंझुनू पहुंचा है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से झुंझुनू और फिर झुंझुनू में भी कितने लोगों से संपर्क में आया है, क्या इस बात की लिस्ट तैयार की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे ही युवक दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से बाई कार के जरिया वहाँ ये झुंझुनू तक पहुंचा और इस दौरान राजस्थान किसी संपर्क में नहीं होने की ऐसी सूचना सामने आई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया इसने? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से उसको होम आइसोलेट किया गया था, होम आइसोलेशन के बाद में इसको जो सिम्टम्स है वो 25 मार्च तक जो सिम्टम्स की जो नजर आए उसके बाद में उसको सैंपल लिए गए, सैंपल में इसके जो टेस्ट लिया उसमें कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। इस दौरान उसके संपर्क में फिर भी होम आइसोलेशन के दौरान जो उसके संपर्क में कौन कौन आए तो उनकी भी यह जानकारी ली जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जयपुर संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 56 हो चुकी है। एक भीलवाड़ा में पॉजिटिव मिला है और अब दूसरा पॉजिटिव मिला है झुंझुनू में। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां